आपेसु सहाय। हम सभी ईश्वर पिता को धन्यवाद देते हैं कि ये सुंदर शोसर हम सबको दिए हैं और ये समय इस पवित्र दिन में हम उसकी आराधना और परमेश्वर के वचन से हम लोग सुनने आए हुए हैं। बीते समय हम सबों की रखरखवाली की और इस 2022 के तीसरे सप्ताह में हम लोग को यहाँ पर लाए, परमेश्वर का धन्यवाद हो। चलिए हम लोग प्रार्थना करें। महान दयालु पिता परमेश्वर, आपको हम धन्यवाद देते हैं कि आपने अभी तक बड़ा चंगा और स्वस्थ रखे हैं। जो भी हम लोग के शरीर में जो तकलीफ है आप ही जानते हैं, आप हम लोग के साथ अगुवाई कीजिए। खास करके इस घड़ी में हम सब उनके साथ हुए और मेरे साथ हुए, जैसे कि आपका वचन और मेरा मुँह को यीशु ख्रीस्ट के नाम से मांगते हैं, सुन और ग्रहण कर दीजिए, आमीन। आज का मेरा शीर्षक है फटका जाना, चालना या छकनी करना। यहाँ टुडेज माई टॉपिक इज विनोइंग, ये है जिससे कि हम लोग फटकते हैं और चलनी करते हैं या छकते हैं। और ये जो फटकना, जो ये न्याय या विचवाई का के लिए दर्शाया गया है। इस युग में हम मसीह भाई बहन बहुत विश्वासता से क्या कर रहे हैं, जी रहे हैं और परमेश्वर की उपासना आराधना कर रहे हैं। इस पापमय दुनिया में रह करके बहुत बार हम लोग घबरा जा रहे हैं, दुखित भी होते हैं और बहुत से ऐसे बीमारियां, संकट आ रही हैं और इसे हम लोग घबरा जाते हैं। लेकिन पवित्र शास्त्र में हम लोग पाएंगे और ख़ास करके जैसे खोलेंगे अमोस नाव उसका नौपद, अमोस नाव उसका नौपद में यहाँ पर यूं कहता है, मेरी आज्ञा से इसराइल का घराना सब जातियों में ऐसा चाला जाएगा जैसा अन्न छलनी में चाला जाता है, परंतु उसका एक भी पुष्ट दाना भूमि पर ना गिरे। यहाँ हम पाएंगे कि अमोस नबी इसराइलियों को, हम सभी इसराइल के संतान हैं और वे चाहते हैं कि जैसे हम लोग जानते हैं कि जो खेतिहार हैं, चाहे घर में हो, स्त्रियां हो, लड़कियां या कोई भी, जब हम लोग फटकते हैं सूप ले करके, और विशेष करके महिलाएं जानते हैं कि हम लोग को बहुत सावधानी से फटकना पड़ता है। और जितने हल्के चीज़ होता है तिनका, वो सब क्या होता है कि वो गिर जाता है। यहाँ अमोस कहता है ऐसा ना हो कि जो पुष्ट दाना है, जो ठोस दाना कहेंगे, वो जमीन में ना गिरे। आगे हम लोग देखेंगे कि यीशु मसीह पत्रस से क्या कहते हैं, इसको हम लोग पढ़ेंगे। लूका 22 उसका 31 और 32, लूका 22 उसका 31 और 32 पद में यहाँ यूं कहता है, शमौन, हे शमौन, देख शैतान ने तुम लोगों को मांग लिया है कि गेहूं की नाई फटके, परंतु मैंने तेरे लिए विनती की कि मेरा विश्वास जाता ना रहे, और जब तू फिरे तो अपने भाइयों को स्थिर करना। यहाँ हम देखते हैं यीशु ख्रीष्ट पतरस को ये आश्वासन और उनसे कहते हैं कि तुम गेहूं के समान, एक पुष्ट गेहूं के समान हो।
वे मसीह भाई बहनों को शुरू हम देखते हैं कि जैसे चेले भिन्न भिन्न स्थानों में गए, प्रचार किए और लोगों को यीशु मसीह के संवाद वो लोग सुनाए। और इसमें खास करके पतरस को यहाँ संबोधित करता है, कहता है कि हे समौन देख शैतान ने तुम लोगों को मान लिया है। यीशु ख्रिस्त जानते थे कि उस समय ये जब मैं यहाँ से स्वर्ग चले गया और उनके बीच में बहुत से ऐसे बुरे चीज़ होंगे, घटनाएं घटेंगी, लोगों के बहकाव में आएंगे, इसलिए कहता है कि तुम लोग को स्थिर रहना है। परमेश्वर की प्रत्येक संतान, हम परमेश्वर के संतान हैं और हर एक कलीसिया के सदस्यों में क्या एक विशेष क्या आएगा, परीक्षाएं आएंगी, बहुत से परीक्षाएं आएंगी और उस परीक्षाओं से हम लोगों को क्या करना है, गुजर कर जाना है। हम सबों को क्या किया जाएगा, फटका जाएगा। ये नहीं कि हम जैसे कि दाना लेते हैं और लेकर क्या लोग सूप या चलनी में हम लोग क्या करते हैं, उसको साफ करते हैं, फटकते हैं और अच्छे दाना। तो हम भी क्या कहता है कि कलीसिया के लोग फटके जाएंगे। यहाँ फटके जाने या चालने के नाम से पुकारे जाती है विनोविंग, जैसे अंग्रेजी में, और जजमेंट, अभी ये है कि न्याय चाहे बिछवाई का काम चल रहा है। यह परमेश्वर के लोगों के लिए बहुत चुनाव है। परमेश्वर के लोग हम मसीह हैं और ये चुनाव हम सबों के लिए है। और हम सबों के मसीह जीवन में अनुभव, जब हम यीशु ख्रिस्ट को अपना लिए हैं तो ये अनुभव हम लोग को कैसे लगता है, यह व्यक्तिगत है। सबके जितना हम लोग मसीह हैं इस दुनिया में, और साथ में भी कहा जाता है कि जैसे दूसरे मजहब के लोग हैं, अन्य जाति, परमेश्वर उनके दिलों को जानते हैं, उनके दिलों को जानते हैं। और मिसेस इजी वाइट कहती है कि जिन्होंने जैसे परमेश्वर की ज्योति को लोग जाना है, जैसे आजकल देखते हैं बहुत से मसीह किसो को नहीं जानते हैं लेकिन वो अपने अनुसार जीते हैं, उनको प्रकाश पानी और उन पर जो रोशनी पड़ती है उसके अनुसार वो जीते हैं, क्योंकि इस मसीह की विषय नहीं जानते हैं। तो यहाँ देखेंगे खास करके हम मसीहों के लिए कहा गया है, यहाँ जैसे मैं कहा जब अनाज को खलिहान में क्या होता है, वो लोग क्या कर रहे हैं, धान हो या गेहूं हो वो लोग हवा में उड़ाते हैं, तो हल्का चीज़ क्या होता है, हवा में बह जाता है और जो अच्छा दाना क्या होता है, नीचे गिरता है। यहाँ देखते हैं और बहुत बार क्या होता है कि जैसे पतन या उड़ने का कारण क्या हो जाता है, हम क्यों पतन की रास्ता में चलते हैं, क्यों हम लोग हवा में उड़ते हैं, पहला कारण है, पहला रहता है कि धार्मिक उदासीनता और लापरवाही करना। बहुत बार क्या होता है कि परमेश्वर के वचन पर हम लोग ध्यान नहीं देते हैं और उस पर हम लोग अपने सोच से टीका टिप्पणी हम लगाते हैं और परमेश्वर के वचन को हम क्या करते हैं, ठीक से हम लोग समझ नहीं पाते हैं। इसके द्वारा हम लोग क्या होते हैं, हताश निराश हो जाते हैं, उदासीनता, और इसके चलते क्या होता है, लापरवाही। हम लोग परमेश्वर का वचन पढ़ने में लापरवाही करते हैं और जहाँ भी धर्म सभा होती है वहाँ पर जाने की इच्छा नहीं होती है। तो बहुत से ऐसे कारण हैं, ये इसके क्या होता है कि हम लोग पतन की ओर, डिस्ट्रक्शन की ओर हम लोग जाते हैं।
और हम क्या करते हैं, आत्मिक तौर से हल्के हो जाते हैं, आत्मिक तौर से हल्के हो जाते हैं। परमेश्वर का वचन हमारे हृदय में रहता है, लेकिन हम लोग उस पर अच्छी तरह से हम लोग ध्यान नहीं देते हैं, जिससे कि हम लोग हवा में उड़ जाते हैं। यहाँ प्रकाश वाक्या 3:16, चलिए हम लोग खोलेंगे प्रकाश वाक्या 3:16। यहाँ लौतिकिया मंडली के विषय में कहता है 3:16, सो इसलिए कि तू गुनगुना है और न ठंडा है और न गर्म, मैं तुझे अपने मुंह में से उगलने पर हूँ। ना तो ठंडा है ना गर्म है, तू गुनगुना है। और जैसे हम लोग देखे कि जो धार्मिक उदासीनता होता है, बहुत से रीति रिवाज जो हम लोग के मसीह धर्म में है और उसके अनुसार हम लोग अगर नहीं चलते हैं तो क्या होता है, हम लोग उदास और हताश हो जाते हैं। दूसरा कारण है रविवार नियम के लागू होने के कारण सताहट। हम सभी जानते हैं कि रविवार का जो नियम लागू, संडे लो, जगह जगह पर संडे लो हो रहा है, और बहुत जल्द जो भिन्न भिन्न स्थानों में और फैलते जाएगा रविवार, रविवार का जो नियम पालन होगा, और उसके कारण क्या होता, सताहट होगी मसीहों के लिए, सताहट होगी। ये पवित्र शास्त्र में लिखी हुई है, ये अंतिम दिन का चिन्ह है, सताहट होगी। इसको हम लोग पढ़ेंगे 2 तिमोथी 3:12। पर जितने मसीह यीशु में भक्ति के साथ जीवन बिताना चाहते हैं वे सब सताए जाएंगे। यहाँ क्या कहता है, जितने जो मसीह में भक्ति के साथ जीवन बिताना चाहते हैं वे सब सताए जाएंगे। कभी कभी लगता है कि हम एक मसीह होकर के सताए जाएंगे, लेकिन सताहट है, लेकिन आगे भी हम लोग देखेंगे क्या कहता है। जैसे मैं कहा कि जो लोग लौदिकिया के संदेश को स्वीकार करने में असफल होंगे, अंतिम दिनों का जो संवाद जो दी गई है उस पर क्या करेंगे, उस पर ध्यान नहीं देंगे और क्या कहेंगे, असफल होंगे। हिलाए जाने का समय, हम सभी को शेकिंग डेज, हिलाने का दिन या समय सब पर आएगा, और ये हिलाने समय को यीशु के जो शिक्षा को नहीं सुनेंगे और कलीसिया से अलग हो जाएंगे, उसकी शिक्षाओं का लोग नहीं सुनेंगे और कलीसिया से अलग हो जाएंगे। आगे हम देखें 3rd कारण, यह कहता है जानबूझकर झूठी धर्म या सिद्धांत पर विश्वास करेंगे और उसके अनुसार चलेंगे। अगर हम बाइबल के अनुसार नहीं चलते हैं और जो झूठी धर्म या सिद्धांत पर हम विश्वास करेंगे और उसके अनुसार चलेंगे, तो हम भी उस भूसे और हल्के दाने के समान होंगे जो हवा से उड़ा दिए जाएंगे। इस वक्त शैतान अपनी पूरी शक्ति और छल कपट से हम सबों को भरवा रहे हैं। हमारे कलीसिया में जितने भी कलीसिया है, और शैतान जानता है कि कहाँ पर हम लोग को मुझको अधिक
जोर देना है कि ये कलीसिया में, ये मसीह परिवार में ये क्या करता है, छल कपट, और ये पूरी शक्ति से वो क्या करेगा, छल कपट करेगा, ताकि जितना हो सके लोगों को मैं मसीह के धर्म से, उसके विश्वास से मैं क्या दूर हटाऊं, ताकि वे क्या हो जाएं, नष्ट हो जाएंगे। प्रिय मसीह में भाई बहनों, हम लोग को परमेश्वर के वचन में और उसके अगुवाई में हम लोग को स्थिर रहना है। जैसे मैं कहा, हर एक को फटका जाएगा, और जिन्हें फटका नहीं जा सकता है वे मसीह में बने रहेंगे। हाँ, तो इसी कारण हम लोग को परमेश्वर के वचन और उसके अगुवाई में हम लोग को स्थिर रहना है। परमेश्वर पवित्र स्वस्थ कलीसिया चाहता है। परमेश्वर चाहता है कि जितने भी मंडली कलीसिया हैं, उनके सदस्य हैं, उनको क्या रहे, स्वस्थ रहें। और यहाँ कहता है कि जिन्होंने जो परमेश्वर की आज्ञा के अनुसार चलेंगे, पवित्र शास्त्र में जो आज्ञा दी गई है, ये जो कहेंगे पवित्र आज्ञा दी गई है उसके अनुसार में चलेंगे, और यीशु मसीह के साक्षीदार होंगे। हाँ, परमेश्वर के साक्षीदार, अगर हम मसीह हैं उसके अनुसार हम लोग चलेंगे। परमेश्वर कहते हैं कि असुर वस्तु को मत छुओ, अशुद्ध वस्तुओं को मत छुओ, अशुद्ध वस्तु जो वचन है उस पर ध्यान मत दो, और ना झूठी बात जो हम पाएंगे कि जगह जगह पर, उस पर विश्वास नहीं करना है। समय बहुत जल्दी आ रहा है, और शैतान क्या करता है, स्वर्गदूत की पोशाक में आकर लोगों को क्या कर रहे हैं, भरमा रहा है। और देखते हैं कि संभव हुआ तो जितने भी चुने हुए हैं, ऐसा इतना शैतान इतना चलाक है कि जो बहुत विश्वस्त हैं, चुने हुए हैं, उनको भी क्या करेंगे, उनको भी फंसा लेगा। यहाँ फटके जाने का समय, न्याय का समय, या लोग जैसे देखेंगे प्रकाश भक्त 14:6-12 में, ये तीन स्वर्गदूत का समान आचार, और प्रकाश भक्त 12:7 में कहता है कि परमेश्वर से डरो और उसकी महिमा करो, क्योंकि न्याय का समय आ पहुंचा है। ये न्याय की घड़ी है, हम सब फटके जा रहे हैं, हम सबका न्याय हो रहा है। और 1844 अक्टूबर 22 से महापवित्र स्थान में यीशु ख्रिस्ट हम सबों का न्याय कर रहा है। यहाँ पौलुस प्रेरित हम सबों को सलाह देते हैं, 1 कुरिन्थियों 10:12-13, 1 कुरिन्थियों 10:12-13 में हम देखेंगे। वह चौकस रहे कहीं कि कहीं गिर ना पड़े, तुम किसी ऐसी परीक्षा में नहीं पड़े जो मनुष्य के सहने से बाहर है। परमेश्वर सच्चा है और वह तुम्हें सामर्थ से बाहर परीक्षा में ना पड़ने देगा, वरन परीक्षा के साथ निकास भी करेगा कि तुम सह सको। यहाँ कहता है कि अंत में कहता है कि मैं तुम्हें सामर्थ से बाहर परीक्षा में से पढ़ने परीक्षा में ना पढ़ने देगा, वरन परीक्षा के साथ विकास भी करेगा कि तुम सह सको। हमें नहीं घबराना है, हमें सताहट होगी, जो परीक्षा आएगी उससे भी हम लोग को बाहर निकालेंगे। रोमी 8:35-39 यहाँ खास करके हम लोग देखेंगे, जो 35 से 39 और आखिरी में हम देखेंगे कि यहाँ
पौलुस प्रेरित क्या कहते हैं, कौन हमको मसीह के प्रेम से अलग करेगा, क्या क्लेश या संकट या उपद्रव या अकाल या नंगाई या जोखिम या तलवार। हम सबको मसीह का प्रेम से कौन अलग कर सकेगा, ये पौलुस प्रेरित कहता है। आखिरी में 39 पद में, ना गहराई ना कोई और सृष्टि हमें परमेश्वर के प्रेम से जो हमारे प्रभु मसीह यीशु में है अलग कर सकी है। आज हम मसीह के प्रेम में बंधे हुए हैं और हम सच्चाई पाए हैं और हमें स्थिर रहना है। पुराने नियम बीवी यशैया क्या लिखते हैं, यशैया 30 से उसका 24 पद, यशैया 30 उसका 24 पद यहाँ लोग पढ़ेंगे। और बैल और गधे जो तुम्हारी खेती के काम में आएंगे, वे सूप और डलिया से फटका हुआ स्वादिष्ट चारा खाएंगे। सूप से फटका हुआ स्वादिष्ट और ताज़ा क्या खाएंगे, यहाँ कहता है ताज़ा दाना खाएंगे। यहाँ उसे नबी भी यह कहता है। मत्ती 3 उसका 12, मत्ती रचित समाचार उसका 3 का 12 पद, मत्ती 3 का 12 पद। मत्ती 3 12 या यह लिखता है, उसका सूप उसके हाथ में है और अपना खलिहान अच्छी तरह से साफ करेगा और अपने गेहूं को तो खत्ते में इकट्ठा करेगा, परंतु भूसी को उस आग में जलाएगा जो बुझने की नहीं। यहाँ परमेश्वर हम सबों का न्याय कर रहे हैं, उसके हाथ में सूप है और हम न्याय के कटघरे के सामने हम खड़े हैं। और यहाँ देखेंगे कि 10 आज्ञा दी गई है पर पवित्र शास्त्र, और उसके अनुसार में हम सबों का न्याय होगा। और हमारा जो महायाजक हैं यीशु ख्रीष्ट, हम सबों के लिए बिछवाई कर रहे हैं और वो विनती कर रहे हैं कि नाम लेकर के जब हम उसके पास आते हैं और उससे अपने पापों का स्वीकार हम आते हैं। तो यहाँ देखते हैं कि ये फटकने का समय और सब पर पड़ेगा। यहाँ कहता है, जो मेमने के लहू से विजय होंगे और अपने सच्ची गवाही के वचन से और ईमानदारी से अपने पापों को महसूस करके संपूर्ण तौर से क्षमा मांगेंगे और कपट की बात उन पर नहीं होगी, ना कि अपने आप को एक घमंड जो संसारिक आर्थिक पर घमंड ना करके यीशु मसीह के धार्मिकता को पहनेंगे। वही लोग एक अच्छे दाना के समान होंगे जो स्वर्ग राज में प्रवेश कर सकते हैं। समय बहुत दूर नहीं है जबकि सभी पर परीक्षा की घड़ी आएगी, और जैसे बहुत से ऐसे व्यक्तिगत भी हो सकता है, ये सामाजिक संसारिक तो उससे बहुत से सतर्क होगी। और कहता है कि हम सब कोई यीशु मसीह के वचनों के अनुसार चले, ताकि हमारे जीवन में और हम यीशु ख्रीष्ट का या ये कहेंगे जीवन का मुकुट या मुहर हम पर लगेगी। अगर हम दुनियादारी के संसारिक चीज़ों में हम चाल चलन में अपने को डाल दिए हैं, तब निश्चय कि हम लोग पर क्या है कि उस पशु की छाप दी जाएगी। और पशु की छाप जब हम पर आएगी तब हम लोग उस भूसी के समान रहेंगे जो हवा में उड़ते हुए
और हम जलाए जाएंगे। शैतान धोखा देने के लिए बहुत से आश्चर्य काम की कर रहे हैं, और ऐसे है कि चाहता है कि वो कलिशिया का पतन हो, लेकिन परमेश्वर कलिशिया को पतन होने नहीं देंगे, परंतु वे कहता है कि नहीं, कलिशिया नहीं करेंगे। जैसे मैं कहा कि फटकना ये अंतिम दिन का जो न्याय हम सब पर होगा, और यहाँ कहता है कि बिछवाई का काम होगा। यहाँ कुछ पदस्थल हम लोग देखेंगे, इब्रानी 10 उसका 27 पद, इब्रानी 10 27। इब्रानी 10 27 में यहाँ कहता है, हाँ जन की एक भयानक बाट जोहना और आग का ज्वलन बाकी है, जो विरोधियों को भस्म कर देगा। आगे हम देखेंगे यहाँ पहले यूहन्ना 4 उसका 17-18, पहले यूहन्ना 4 17 और 18। इसी से प्रेम हमें सिद्ध हुआ कि हमें न्याय के दिन युवा हो, क्योंकि जैसा वह है वैसे ही संसार में हम भी हैं। प्रेम में भय नहीं होता, वरन सिद्ध प्रेम भय को दूर कर देता है, क्योंकि भय से कष्ट होता है, और जो भय करता है वह प्रेम में सिद्ध नहीं हुआ। प्रेमशी भाइयों बहनों, हम परमेश्वर के प्रेम में हम बंधे हुए हैं, हम लोग को डर नहीं होना है, भय नहीं होना है। यहाँ वचन में कहता है कि जो भय करता है वह प्रेम में सिद्ध नहीं हुआ, और कहता है कि सिद्ध प्रेम भय को दूर करता है, डर। कहता है कि परमेश्वर ने हम सबों को इतना अधिक प्रेम किया है, यूहन्ना 3:16 में पाएंगे कि परमेश्वर ने जगत से माने हम सबसे प्रेम किया है, और उन्होंने एकलौता बेटा दे दिया है ताकि जो कुछ पर विश्वास करे वह नाश ना हो परंतु आनंद जीवन पाए। यहाँ मत्ती 25:31-56 काफ़ी लंबा वर्ष है, लेकिन हम लोग सब वर्ष को नहीं देखेंगे, और उस समय के दृष्टांत हम घटना को देखते हैं जब यीशु ख्रीष्ट भेड़ और बकरी, कहेंगे कि भेड़ जो धर्मी हैं और जो बकरियां हैं उसको ये कहेंगे पापी, और उनके बीच में ये वार्तालाप होगी। कहता है कि याद करके हम लोग खोलेंगे मत्ती 25 का खास करके हम लोग पढ़ेंगे 45 और 46 वक्त में, 45 and 46 Matthew 25:45-46। तब वह उन्हें उत्तर देगा, मैं तुमसे सच कहता हूँ कि तुमने जो इन छोटे से छोटे में से किसी एक के साथ नहीं किया वह मेरे साथ भी नहीं किया, और वह आनंद धन भोगेंगे परंतु धर्मी आनंद जीवन में प्रवेश करेंगे। कितने सुंदर वचन हम सबों के लिए आशीष बनती है। परमेश्वर हम सबों को आशीष दे और शक्ति दे ताकि ऐसे समय में हम लोग व्यतीत कर रहे हैं जो हम सबों को फटका जा रहा है, न्याय किया जा रहा है। हम नहीं कह सकते हैं कि हमारा पारी कब आ रहा है, हम कैसे जाने, बहुत बड़े सवाल होता है कि हम कैसे जाने कि हमारा न्याय खत्म हो गया है। आप कहता है कि आगे न्याय नहीं होगा, परमेश्वर के वचन को हम लोग हर समय ध्यान दें, उसके अनुसार चले। परमेश्वर हम सबों का अगुवाई करे इस सुंदर वचन के लिए, और हम सबों को सामर्थ्य दे
जिससे कि इस अंतिम घड़ाई में जैसे हम लोग फटके जा रहे हैं और हमेशा ना हो कि उस भूसे के समान हो जो आपके गंधक में जलाए जाएंगे। हम सब उस महान परमेश्वर की सेवा कर रहे हैं, उसकी उपासना कर रहे हैं और उसकी आराधना करते हुए हम लोग अंत समय तक हम लोग धीरज धरे, उसके प्रेम में हम लोग बंधे रहें, ताकि हम लोग उस पुष्ट दाना गेहूं के समान रहे, ताकि हम सबको परमेश्वर रवि यीशु ख्रिस्त जब आएंगे तो दाना को कहाँ रखा जाता है? गोदाम में, अच्छी जगह में रखा जाता है। और हम भी उस स्वर्गीय देश के लिए हम लोग वहाँ पर जाएंगे, जहाँ की हम लोग को इस लेकर के हम लोग को जाएंगे। परमेश्वर इस दिन वचन पर आशीष देवे। आमीन। सुंदर वचन के लिए लकड़ा सर को धन्यवाद देंगे। आइए सुंदर सभा को अंत करने के लिए हम लोग गाएंगे 112 नंबर गीत हिंदी में से। खुलना हुआ तो हम सब भी खड़े हो जाएंगे। ये स्वपिता में जीवन बिताना, ये स्वपिता में जीवन बिताना, परम सुख बना, परम सुख बना, परम सुख बना। ये स्वपिता में सब कुछ छोड़ना, ये स्वपिता में सब कुछ छोड़ना, आनंद जीवन पाना, आपके वचनों को सुने। ये छलनी का समय, जो न्याय का समय अभी आपके भवन में चल रहा है, हम लोग अगुवाई कीजिए और हम लोग को तैयार होने के लिए हर शक्ति दीजिए। आपके प्रेम में हम लोग बंधे रहें, हम लोग के अपराधों को क्षमा कर दीजिए और आशीष से हम लोग को विदा कीजिए। और पूरे दिन भर और बाकी समय हम
सब आपके डायने थड़ी हम लोग चढ़े, जिससे आप हम सबको सुरक्षित रखें। यीशु ख्रीस्ट के नाम से मांगते हैं, सुन और ना कर दीजिए, आमीन।